नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। 20 नवंबर से कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि वैक्सीन के ट्रायल के लिए पहला वॉलंटियर बनने का प्रस्ताव रखा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए नोएडा में भी प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने कोरोना से निपटने के लिए एक ठोस प्लान बनाया है। नोएडा से सटे सभी बॉर्डर्स पर रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी। डीएनडी और चिल्ला इलाके से आने वाले का रैंडम टेस्ट भी किया जा रहा है। इसके लिए खास तौर पर स्वास्थ्य टीम को लगाया गया है। दिल्ली और नोएडा के बीच हजारों की संख्या में हर दिन लोगों का आना जाना होता है, जिस वजह से नोएडा प्रशासन ने भी कुछ एहतियाती कदम उठाने का फैसला लिया है। जिन इलाकों में एक से ज्यादा कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलेगा, उन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसके बाद इनकी टारगेट सैंपलिंग की जाएगी, जिसमें डिलीवरी बॉय, दुकानदार, रिक्शा चालक सहित अन्य लोग भी शामिल होंगे। दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, इस वजह से दिल्ली सरकार ने शादियों में मिली छूट वापस ले ली। अब सिर्फ 50 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे। जींद में स्कूलों में 11 छात्र और 8 टीचर सहित 66 कोरोना पॉजिटिव केस मिले, जिसके बाद जिले में अब कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3534 हो गई है। अब तक 97,261 लोगों के सैंपल्स लिए जा चुके हैं। सिर्फ नवंबर महीने के 17 दिनों में ही 614 केस सामने आए। जो छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वो सभी 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार ने जो घोषणाएं बड़ौदा उपचुनाव से पहले की, उनको लेकर नवनिर्वाचित विधायक इंदुराज नरवाल सीएम से मिलेंगे और उन्हें जल्द पूरा करने की मांग करेंगे। दीपेंद्र ने कहा कई ऐसे मुद्दे थे जो कांग्रेस की जीत का कारण बने और बीजेपी की हार का। हुड्डा सरकार के कार्यकाल में काम किए गए और बीजेपी के कार्यकाल के 6 साल में सरकार नाकाम रही। दीपेंद्र ने कहा कि जो प्रदेश के कई अलग अलग सेक्टर्स में नंबर एक पर था, वहीं प्रदेश आज बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर पहुंच गया है। दीपेंद्र ने कहा कि जेजेपी भी हमारी जीत का एक बहुत बड़ा कारण बनी। जेजेपी ने जनता के साथ धोखा किया, उनका जवाब मतदाताओं ने दिया। जेजेपी के स्टैंड को नकारते हुए लोगों ने वोट की चोट सरकार को दी। वही अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कृषि कानून का लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है, नए कानून बनाने की मांग कर रहा है। एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित हो, साथ ही कम पैसे पर खरीद होने पर सजा का प्रावधान हो। अभय चौटाला ने कहा कि सिरसा के कई गांवों में मूंगफली की खेती होती है। मूंगफली का दाम 5,000 रुपए के पास रखा गया, उस पर शर्तें इतनी रख दी गई कि किसान अपनी मूंगफली बेच ना पाए। अभय ने कहा कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारी खरीद में लगा दिए जिन्हें किसी तरीके की जानकारी ही नहीं। मेरे पास सारे सबूत है, जिससे ये साबित होता है कि ये सब किसान को कमजोर करने के लिए किया गया। लव जिहाद पर कानून बनाने जाने पर अभय ने कहा कि हम जाति धर्म को पीछे रखकर आपसी प्यार और भाईचारे के साथ कैसे रहें, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, पर बीजेपी देश के विभाजन के लिए काम करती है। चौटाला ने कहा कि जो आज लव जिहाद के खिलाफ कानून ला रहे हैं, उन्होंने खुद तो कभी प्यार नहीं किया होगा, इसलिए ऐसा कानून ला रहे हैं। सरकार मुद्दों पर भटकाए ना और घोटालों की जांच करवाए। फतेहाबाद में हॉस्पिटल के बाहर सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों ने धरना दिया। सफाई कर्मचारियों ने अस्पताल संचालक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि 1.5 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला। अस्पताल के डॉक्टर से लेकर सफाई ठेकेदार तक कोई उनकी सुध नहीं ले रहा, जबकि उनसे ओवरटाइम भी करवाया जाता है। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी ड्यूटी का समय नहीं हो जाता, उन्हें सैलरी नहीं दी जाती, तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। गुरुग्राम में लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम करने वाली कंपनी के अकाउंट एग्जीक्यूटिव ने करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया। कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वेरिफिकेशन का काम करने वाली कंपनी ने पुलिस में शिकायत दी। उनकी कंपनी ने काम करने वाले अकाउंट एग्जीक्यूटिव ने कंपनी के खातों में हेराफेरी कर 7 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि उसने ये रकम अपने पिता, ससुर और साले के खाते में डाली। पुलिस ने कंपनी के खाते से ट्रांसफर की गई रकम वसूलने की कवायद शुरू कर दी है। करनाल में चोरी की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही। गौशाला रोड पर बरदाने की दुकान से चोरों ने नकदी चुराई और फरार हो गए।
दुकानदार का तकरीबन 1,25,000 रुपए का नुकसान हो गया। चोरों ने इससे पहले भी SBI बैंक को अपना निशाना बनाया। मामले की जानकारी के बाद पुलिस आसपास में लगे CCTV फुटेज को खंगालने में जुट गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट कर सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने ट्वीट किया, बैंक मुसीबत में है और GDP भी, महंगाई इतनी ज्यादा है कभी नहीं थी, ना ही बेरोजगारी। जनता का मनोबल टूट रहा है, सामाजिक न्याय प्रतिदिन कुचला जा रहा है, विकास या विनाश। लोक आस्था के महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान की नहाए खाए के आज से शुरुआत हुई है। पहले दिन व्रतियों ने घर, नदी, तालाबों में स्नान कर अरवा चावल, चने और दाल की कद्दू की सब्जी का प्रसाद ग्रहण किया। BMC ने इस साल मुंबई में समुद्र तट, नदी और तालाब में छठ पूजा करने पर रोक लगा दी। BMC ने इसे लेकर आदेश जारी किया। BMC ने पुलिस से भी कहा कि वो सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को इकट्ठा होने से रोके। BMC ने कृत्रिम तालाबों में छठ पूजा करने की इजाजत दी है, लेकिन इसे लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। हर साल छठ पूजा के लिए लाखों लोग मुंबई से जुहू बीच पर इकट्ठा होते हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस साल छठ पूजा का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा। दिल्ली वाले अपने घरों में या किसी निजी स्थल पर ही छठ पर्व मना सकेंगे। छठ पर्व के लिए COVID-19 दिशा निर्देशानुसार का पालन करना बेहद जरूरी होगा। हर साल धूमधाम से मनाए जाने वाले इस पर्व की रौनक इस साल फीकी रहेगी। पंचकुला में कोरोना के चलते इस बार बड़े स्तर पर छठ पर्व के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई। DC ने निर्देश दिए, लोग अपने घरों में ही छठ का त्यौहार मनाएं। सरकार के आदेश के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते कहीं भी कोई बड़ा आयोजन नहीं हो सकता। DC ने लोगों से अपील की कि भीड़ इकट्ठा न करें ताकि महामारी से बचा जा सके। कुरुक्षेत्र जिला प्रशासन ने धार्मिक संस्थाओं के अनुरोध पर ब्रह्म सरोवर पर करीब 100 लोगों को छठ पूजा करने की इजाजत दे दी है। अनिल विज ने कांग्रेस पर गुपकर गठबंधन को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विभाजन के वक्त देश को बांटा, लेकिन अब BJP कांग्रेस को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी में मनोहर सरकार। हरियाणा सचिवालय में गृहमंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में हुई बैठक। बैठक में गृह सचिव और DGP समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। लव जिहाद कानून के पहलुओं पर मंथन किया गया। भिवानी में राजीव कॉलोनी के निवासियों ने अवैध शराब की बिक्री और शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर AC से मुलाकात की और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि राजीव कॉलोनी में पिछले 3-4 सालों से एक किराए के मकान में अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है। शराबी वहां पर गुंडागर्दी करते हैं और शराब के नशे में गाली गलौज भी करते हैं। करनाल में चाइल्ड लेबर और भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। कुछ दुकानदार और फैक्ट्री संचालक लगातार छोटे बच्चों से काम करवा रहे हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने शहर को चाइल्ड लेबर मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया, जिसको लेकर शहर के विभिन्न बाजारों में जाकर कमेटी के सदस्यों ने भीख मांगने वाले कई बच्चों का रेस्क्यू किया। हरियाणा के यमुनानगर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई। साढ़ोरा कस्बे के बकाला गांव में रहने वाला रोशन लाल 9 महीने पहले ही शादी करके परमजीत को अपने घर लाया था। दोनों के खून से लथपथ शव घर के बाहर मिले, पुलिस जांच में जुटी। किसानों के ट्रैक्टर चोरी करने वाले बड़े गिरोह का हांसी जिला पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 ट्रैक्टर भी बरामद किए। ये सभी ट्रैक्टर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से चोरी किए गए थे। बरामद किए गए ट्रैक्टरों की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। ट्रैक्टर पकड़े जाने की सूचना मिलते ही किसान थाने में अपने ट्रैक्टर लेने पहुंच गए। दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। अंबाला कैंट के प्रीतनगर में एक घर में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक 5 से 6 महिलाएं एक घर में गई और घर का सामान चोरी कर लिया। बता दें कि जब महिलाएं सामान लेकर जाने लगी तो रास्ते में मौजूद कुछ लोगों को शक हुआ। लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पता चला कि महिलाओं ने घर का सामान चुराया था। करनाल की पुराना सब्जी मंडी के पास चोरों ने SBI की शाखा में चोरी की नाकाम कोशिश को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक चोरों ने बैंक में घुसकर बैंक के लॉकर को तोड़ने की कोशिश की। चोरों ने बैंक के अंदर 2 प्रिंटर मशीनों को भी तोड़ा। चोरों की यह करतूत बैंक में लगे कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो वहीं पलवल में 8 वर्षीय बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया। किसी महिला के देख लेने पर आरोपी बच्ची को छोड़कर मौके से फरार हो गया। मुनकटी थाना पुलिस ने पीड़िता बच्ची की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ अब मामला दर्ज कर केस की जांच शुरू कर दी है।
गोआना के उपमंडल परिसर के सामने बुजुर्ग महिला धरने पर बैठी है। मकान नाम करवाने को लेकर बेटा बहू पर पीटने का आरोप लगाया। बुजुर्ग कृष्णा देवी इसकी शिकायत गोहाना के सदर थाना समेत कई बड़े अधिकारियों को लिखित रूप में दे चुकी हैं, बावजूद इसके कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जींद में शुगर मिल बंद होने से परेशान किसानों ने नरवाना रोड जाम कर दिया। दरअसल शुगर मिल में बायलॉग खराब होने के चलते मिल बंद हो गई और किसान गन्ना लेकर मिल पहुंचे, जिसके बाद किसानों ने नरवाना रोड को जाम कर दिया। बता दें कि मिल बंद होने के बाद जिला उपायुक्त ने किसानों को आश्वासन दिया था मिल जल्द चालू होगी, लेकिन मिल चालू नहीं हो पाई। दिवाली में बाजरे की खरीद नहीं होने से नाराज किसानों ने अनाज मंडी के बाहर रोड जाम कर दिया। किसानों ने बताया कि वो ट्रैक्टर में बाजरा भरकर मंडी लाए थे, लेकिन मंडी में बाजरे की खरीद नहीं हुई, जिससे नाराज किसानों ने रोड को जाम किया। कोसी मंडी में बाजरा खरीद न होने को लेकर मंडी में पहुंचे 200 किसानों ने जमकर हंगामा किया। मांग की सहारी चीनी मिल का पिराई सत्र 19 नवंबर को शुरू होगा। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल करेंगे पिराई सत्र की शुभारंभ। इस बार महम सहकारी मिल में 35 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य की पूरा करने को लेकर मिल के चीफ इंजीनियर ने कहा कि मिल की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फतेहाबाद में आबकारी विभाग ने जो फर्म पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन में हुए शराब घोटाले के चलते आबकारी विभाग ने यह कार्रवाई की। बता दें कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद शराब बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी। इसी को लेकर अब आबकारी विभाग ने फर्म की फिजिकल वेरिफिकेशन की तो 21,000 पेटियां कम मिली। इस संबंध में जानकारी देते हुए आबकारी विभाग के आयुक्त ने बताया कि दोनों फर्म को 7 दिनों में जुर्माना भरने के आदेश दे दिए गए हैं। अगर 7 दिन में फर्म ने जुर्माना नहीं भरा तो जुर्माना के साथ साथ ब्याज भी वसूला जाएगा। नियमित त्यौहार के वक्त अचानक बड़ी आवाजाही से बड़कली चौक पर 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम इतना ज्यादा था कि लोग 4-4 घंटों तक जाम में फंसे रहे और इसी दौरान जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई, जो कई घंटों बाद जाम से निकल पाई। पुलिस ने ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश की। जाम को खोलने के लिए स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता की टीम बड़कली चौक पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। पलवल में इस बार दिवाली व्यापारियों के लिए फीकी रही। कुल मिलाकर पिछले साल के मुकाबले इस बार 50% ही कारोबार हुआ। सिरसा में पीएचडी में बीसी वर्ग की खाली सीटों पर एडमिशन नहीं होने के चलते छात्रों ने डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया के बैनर तले धरना दिया। धरने पर बैठे छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियमों की अनदेखी करते हुए बीसी वर्ग की सीटों को जनरल कोटे में तब्दील कर दिया। गन्नौर में शेखपुरा स्थित यूनिक क्रिकेट स्टेडियम में गन्नौर प्रीमियर लीग का भव्य आगाज हुआ। लीग का पहला मैच दिल्ली क्रिकेटर्स व पंजाब की होशियारपुर साबी टीम के बीच खेला गया। इस मैच में आयुष बडौनी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उनके साथ हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा और पूर्व मंत्री करण दलाल व ललित पवार भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने आयुष बडौनी को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा। इस दौरान भूपेंद्र ने प्रतियोगिता के आयोजक सनत जैन, अजय जैन, संजीव गुप्ता, संजीव मल्होत्रा, राहुल दहिया को बधाई दी। उन्होंने कहा कि गन्नौर क्षेत्र में इस प्रकार के भव्य आयोजन से खिलाड़ियों को बड़ा मंच प्राप्त होगा, क्षेत्र का नाम भी रोशन होगा। पानीपत में पिछले 42 सालों से चल रही सब्जी मंडी सील हो गई और नई अनाज मंडी में शिफ्ट हो गई, लेकिन नई सब्जी मंडी शिफ्ट होने के बाद से रेहड़ी और फड़िया लगाने वाले धरने पर बैठ गए हैं। रेहड़ी वालों की मांग है कि नई सब्जी मंडी को थोक और पुरानी सब्जी मंडी को परचून की मंडी बनाया जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे होने के कारण जो आम ग्राहक है वो नई सब्जी मंडी में नहीं पहुंच पाएगा। हरियाणा महिला आयोग की सदस्य सोनिया अग्रवाल ने झज्जर के नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया। कैथल में पटाखों की चिंगारी से गौशाला में आग लग गई, जिससे गायों के लिए रखा सारा चारा जलकर खाक हो गया। यमुनानगर जगाधरी के उपमंडल अधिकारी दर्शन कुमार ने सरल केंद्र तहसील कार्यालय का निरीक्षण करके तहसीलदार और सब तहसीलदार को आदेश दिया कि वो अपने अधीन होने वाले कार्यों के दौरान कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें। उन्होंने साथ ही कहा कि कार्यालय में आने जाने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करवाया जाए, मास्क पहनने को कहा जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की, उन्हें जीत की बधाई दी। पीएम मोदी और जो बाइडेन ने कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की, हमने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। रेवाड़ी के गांव कुंड से सरकारी स्कूल में 19 बच्चे संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने जिला उपायुक्त के निर्देश पर स्कूल को अगले 3 दिनों के लिए बंद कर दिया है। कुंड के सरकारी स्कूल में 11 नवंबर को 43 बच्चों के कोविड सैंपल्स लिए गए थे, जिनमें से 19 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। उनके संपर्क में आए दूसरे बच्चों और अन्य लोगों के भी सैंपल्स लिए जा रहे हैं, ताकि संक्रमण का खतरा अधिक न फैले। वहीं प्रदेश में कोरोना के 2450 नए मामले सामने आए, 25 मरीजों की जान चली गई, कुल आंकड़ा 2,04,000 के पार पहुंच गया। अब एक्टिव केसेस की संख्या 19,000 के पार। गुरुग्राम में 588 नए मरीजों की पहचान हुई, 3 मरीजों की जान चली गई, टोटल केस 40,000 से ज्यादा। फरीदाबाद में 756 नए केस मिले हैं, 4 मरीजों की कोरोना के चलते जान चली गई, कुल केस का आंकड़ा 33,000 से भी ज्यादा। वहीं देश में 24 घंटे में 48,478 नए केस सामने आए, 471 मरीजों ने तोड़ा अपना दम, 79,12,000 से ज्यादा टोटल केसेस, तो वहीं 4,46,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 68 मरीजों की जान चली गई, कुल मौत का आंकड़ा 40,000 के पार पहुंच गया, अब भी 81,925 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सामने आए 1,652 नए मामले, अब भी 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 1,420 नए मामले, अब तक 4,84,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, 22,166 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 19,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं, एक दिन में 2,194 नए मामले सामने आए, मरीजों का आंकड़ा 2,00,000 के पार पहुंचा। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में सामने आए 6,396 नए मामले, 99 लोगों की हुई मौत, 42,000 से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 1,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए, मरीजों का आंकड़ा 8,56,000 के पार, 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 5,59,00,000 के पार, अब तक 13,43,000 से ज्यादा मरीजों ने गवाई अपनी जान, पूरी दुनिया में 1,56,00,000 के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, कुल मरीजों की आंकड़ा यहां पर बता दें 1,16,00,000 के पार, अब तक 70,87,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर पहुंचे। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 66,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गवाई अपनी जान, कुल मरीजों का आंकड़ा 59,11,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, कुल मरीजों की संख्या 19,00,000 के पार, अब भी 4,61,000 से ज्यादा केस एक्टिव, 33,000 से भी ज्यादा मरीजों की जा चुकी है जान।